Hello students, good morning. मैं डॉक्टर राजिंदर फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ आईपी का नेक्स्ट टॉपिक लेके। हाई सेकेंडरी पार्ट टू का ये थर्ड वाला लेक्चर है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस। आपने देखा कि जो नेटवर्क है उसको पहले टॉपिक में हमने लिया था कि नेटवर्क होता क्या है, प्रैक्टिकली नेटवर्क क्या है। नेटवर्क जो दो कंप्यूटर्स को आपस में डाटा शेयरिंग में हेल्प कर रहा है, एक सिस्टम के पास अगर डाटा पड़ा हुआ है तो उसको दूसरे सिस्टम के साथ शेयर करना है, या कोई भी रिसोर्सेज हैं, फाइल्स हैं, प्रिंटर है, बहुत सारी पैराफेरल्स अटैच्ड होती हैं कंप्यूटर के साथ, जो वो शेयरिंग बेस करनी पड़ती है, हम लोगों को शेयर करनी पड़ती है, तो हम लोगों को नेटवर्किंग करनी पड़ती है उनकी। जब हमने नेटवर्क पढ़ा था तो नेटवर्क होता क्या है, उसके साथ हमने नेटवर्क की कुछ फिजिकल टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था। आपको अच्छे से याद होगा कि नेटवर्किंग टोपोलॉजीज कौन सी होती हैं, थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस डालिए और देखिए कि हमने कौन कौन सी टोपोलॉजी देखी थी। हमने बस टोपोलॉजी देखी थी, हमने ट्री टोपोलॉजी देखी थी, रिंग टोपोलॉजी देखी थी, स्टार टोपोलॉजी देखी थी, मैश टोपोलॉजी देखी थी। ये सब टोपोलॉजीज हमने डिस्कस करी, नेटवर्क टोपोलॉजीज, या नेटवर्क का फिजिकल आपस में क्या, किस तरह से एक लिंक बना होता है, किस तरह से वो नेटवर्किंग होती है। बट इसके साथ साथ हमने कुछ ऐसी और चीजें डिस्कस करी थी जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं वो भी रिक्वायर्ड होती हैं फॉर नेटवर्किंग के लिए। जब आपको नेटवर्किंग करनी होती है तो वहां पे आपको बहुत सारी डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प की वजह से आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को इसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे एग्जामिनेशन में, और अगर आप देखें इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नेटवर्क डिवाइसेस, डिवाइसेस अगर हम देखें तो डिवाइसेस मीन्स हार्डवेयर। आपने जब भी डिवाइसेस की नाम बात देखी तो वो एक हार्डवेयर है, दैट मीन्स फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। Devices mean the physical components or the devices or the peripherals, चाहे वो कोई भी चीज हो, जैसे प्रिंटर हो, चाहे वो और कोई अदर peripherals हो, उनको लिंक किया जाता है, उनको नेटवर्क किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। इन चीजों को सभी को जब हम नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं तो नेटवर्क की डिवाइसेस बन जाती हैं। दीज आर दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को देखने से पहले मैं थोड़ा सा डीप जाना चाहूंगा, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन उसके बिना आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरे पास एक ओएसए मॉडल है, ओएसए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये एक मॉडल होता है जिसमें नेटवर्किंग होती है। तो इसमें हमारे पास ये थोड़ा सा हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि इसके बिना आप इसको समझ नहीं पाओगे। इसमें सेवन लेयर्स होती हैं, ओएसआई मॉडल भी कहते हैं इसको, ओएसआई मॉडल। इसमें एक्चुअली में सेवन लेयर्स होती हैं। इन सेवन लेयर्स का जो अपना अपना वर्क होता है, इसमें जो फर्स्ट लेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, इन सेवन लेयर्स में सबसे पहले जो लेयर होती है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को ऐसे मॉडल में कितनी लेयर्स होगी, टोटल सेवन होगी। मैं सारी लेयर्स के नाम भी बता रहा हूं आपको। उसके बाद आपकी पी फॉर प्रेजेंटेशन, आप इसको निमोनिक्स से याद कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से सीरीज में होनी चाहिए। ये नहीं कि एप्लीकेशन पहले तो प्रेजेंटेशन बाद में, नहीं, वो ऐसे ही मॉडल का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद सेशन लेयर, सेशन लेयर, टी फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, N for network layer,
D for totally clear. P for physically. ये इसका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो OSI मॉडल है इसका एक स्ट्रक्चर है. इतनी सारी लेयर्स से मिलके ये बन रहा है. अब इसी में नेटवर्क डिवाइसेस किस तरह से काम करती हैं और कहां पे इनकी नीड पड़ती है. अगर हम पहली वाली बात करें यहां से डिस्कस करें, मैं दो निमोनिक्स बताऊंगा जिसमें जितने डिवाइसेस के नाम बता दूंगा, लेकिन कौन सी लेयर में कौन कौन सा पार्ट होता है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा. पहले वाले में हमारे पास हब और रूटर आता है. हब एंड रिपीटर, सॉरी हब एंड रिपीटर, एंड करके भी कर सकते हो उसको, कोई सा भी होगा. दूसरे वाले में हमारे पास ब्रिज एंड आर उगली करके लिखो स्विच. और इस वाले में आपके पास रूटर आता है, रूटर. और ये जो लेयर्स हैं इन सभी लेयर्स में गेट वेज काम करते हैं. गेट वेज, पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी और ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि फिजिकल लेयर में हमारे पास हब एंड रिपीटर का वर्क होता है, डाटा लिंक में स्विच और ब्रिज का वर्क होता है, रूटर जो होता है नेटवर्क लेयर में आता है और इन चारों लेयर्स को डील करता है इसमें नेटवर्क गेटवेज. इसको याद करने का एक और तरीका भी है जिसको आप अलग वे में भी याद कर सकते हो, जिनमें कुछ और भी अदर डिवाइसेस भी आ जाएंगी, इन पे हम मोस्ट कॉन्सेंट्रेट करेंगे. जैसे कि जी एम बी ए आर एस एच, एक न्यूमोनिक से इनको याद करने का. ये क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस हैं. ये तो नेटवर्क OSI लेयर है. मैं OSI लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके साथ ये लिंक्ड है तो ये आपको बताना पड़ेगा. इसलिए दीज आर द डिवाइसेस, ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं जिनकी वजह से नेटवर्किंग होती है. जिसमें सबसे पहले जी से मैं बात करूंगा तो जी हमारा गेटवे. गेटवे आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं जिससे आपको ये डिवाइसेस सबसे पहले याद तो हो, फिर आप इसको समझ पाएंगे कि कौन सी डिवाइस का क्या वर्क है. एम मॉडेम, बी फॉर, एक ब्रूटर भी होता है और एक ब्रिज भी होता है. जो रूटर और ब्रिज दोनों में वर्क करता है तो उसको ब्रूटर कहते हैं, कंबाइन करके बना दिया होता है जिसमें दोनों वर्क किए जा सकते हैं. ए फॉर एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट. आर फॉर रूटर एंड रिपीट, आर टी आर, रूटर भी होता है और एंड रिपीटर भी इसी से बनेगा. एक निमोनिक्स बनाया याद करने के लिए. एस फॉर स्विच और एच फॉर हब. ये एक वे है जिस तरह से आपने इसको रिमेंबर रखने की कोशिश करनी है. फिर से ध्यान से देख लेना, ये निमोनिक्स बनाया था मैंने जिसमें जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस थी इनको हमने कोशिश किया कि इनको याद कैसे करें पहले, कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्किंग में काम आती हैं. क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस, सबसे पहले पता होना चाहिए इनकी इनकी एक कंप्लीट समरी दे दो, एटलीस्ट कर दो कि दीज आर दी नेटवर्क डिवाइसेस. अब इसके बाद वन बाई वन एक एक डिवाइस को लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका वर्क है क्या, किस तरह से ये काम करती है. मैं सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करूंगा हब और रिपीटर. हब पे क्यों करूंगा? क्योंकि फिजिकल लेयर से हम चलते हैं. अब ये चाहे जान जिस भी लोकेशन पे आती है, लेकिन हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हब है क्या. हब के मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं कि हब होता क्या है और हब किस तरह से वर्क करता है. एक्चुअल में आपने हर पर्सन ने हब आराम से देखा होगा, इस तरह से आपको हब दिखेगा. इस हब में बहुत सारी पोर्ट्स लैन की लगी होती हैं जिसमें बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट करे होते हैं, जैसे पीसी 1 है मेरा, पीसी 2 है, पीसी 3 है, पीसी 4 है,
जरूरी नहीं है फोर, इसमें हब में 40 केबल्स तक, 30 केबल्स तक जितनी भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। अब ये जो इन डिफरेंट सिस्टम तक नेटवर्क को पहुंचा रहा है, जब ये सिग्नल को पास ऑन कर रहा है डिफरेंट सिस्टम्स में, तो इस हब का मेन रोल रहता क्या है, किस तरह से आप ये इस हब को यूज करेंगे और आपको हब समझने में क्या आसानी होगी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है आपने यहां से ब्रॉडकास्ट करनी है। ये एक हाफ डुप्लेक्स का काम करता है, हाफ डुप्लेक्स का काम करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। हाफ डुप्लेक्स होता क्या है कि मैंने वन टू वन शेयरिंग की, जैसे यहां से डाटा यहां जा रहा है, तो एक समय में अगर डाटा यहां से जहां जा रहा है तो यहां से वापस नहीं आ सकता, यूनी वन वन की डायरेक्शन में जाएगा, ये फुल डुप्लेक्स नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस बंदे से बात कर रहा हूं तो जब तक मैं बात अपनी पूरी नहीं करता तब तक वो बात नहीं करेगा, अगर वो बात करेगा मुझे सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको काम करते समय ये वाला बात कोई भी वर्क नहीं कर सकता। इसी केस में जब ये डाटा लिंक होता है, ये इसको सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है और यहां से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, उस समय में ये रिटर्न में कोई भी मैसेज नहीं दे पाएगा। हाफ डुप्लेक्स है, कांट स्टोर मैक एड्रेस। जो मैक एड्रेसेस होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास आती है, जैसे ये नेटवर्क के साथ लिंक होता है अब, तो हम सारे सिस्टम्स को विदाउट किसी रोक टोक के सारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये नहीं देख रहा कि ये वाला सिस्टम पीसी 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी सिस्टम इसके साथ अटैच्ड हैं सारा को इंफॉर्मेशन भेज देगा, ना कि इसको नीड है या नहीं है, इसको देनी चाहिए इंफॉर्मेशन या नहीं देनी चाहिए। तो ये मैक एड्रेस को स्टोर नहीं कर रहा है, ये ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है इंफॉर्मेशन को, जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, रोकेगा नहीं अपने पास। और ये लैन कनेक्टिविटी के ऊपर आधारित होता है, जब भी लैन कनेक्शन आपके सिस्टम में आपकी लैब में लगे होते हैं लैन कनेक्शंस, तो लैन कनेक्शंस इसी तरह से बनते हैं। ये बेसिकली अगर आप देखें तो बस टोपोलॉजी के ऊपर आधारित होता है, बस टोपोलॉजी आपकी क्या करती है कि वो बस की शेप भी होती है और सिस्टम को इसी तरह से जुड़ा होता है, और यहां पे आपका हब लगा होगा तो आपकी ये बस टोपोलॉजी की तरह काम कर रहा है। तो इट इज बेस्ड ऑन द बस टोपोलॉजी, और इसमें जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम होंगे, जितने भी पीसीज पड़े होंगे, उन सारे लोगों को इंफॉर्मेशन ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, लैन डिवाइसेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। और ये एक्टिव और पैसिव भी होता है, क्योंकि अगर एक्टिव का मतलब है जब ये एक्टिव वर्क कर रहा है तो आपकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रही है, पैसिव का मतलब है इसको ये पता नहीं चल पा रहा कि किसको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर हम इसको और अच्छे से जानना चाहें तो मैंने देखिए आपको फिजिकल लेयर में इसका लिंक होता है, फिजिकल लेयर में इसका कनेक्शन रहता है। इसके साथ हब को समझने के बाद, ये हमारा हब था, हब जो हमारी पहली डिवाइस हमने डिस्कस करी कि नेटवर्क डिवाइस में हब जो है फर्स्ट नंबर पे है, कि हब आपका बना हुआ है। हब मींस अगर आप इसको और तरीके से देखें, ये साइकिल है, साइकिल का एक पहिया है, यहां पे इसकी स्पाइक्स लगी हुई है डिफरेंट डिफरेंट, जिससे ये सारा कनेक्टेड रहेगा। तो ये सारे के सारे देखने में आपको रिंग टाइप का दिखेगा, स्टार टाइप का दिखेगा, लेकिन बेसिकली इसकी जो फाउंडेशन है वो बस टाइप की होती है, बस टोपोलॉजी के ऊपर आधारित होता है। तो ये आपका हब है, जिस हब के साथ सारे के सारे सिस्टम लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन को यहां से सभी सिस्टम्स में ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इसका मेन जो वर्क रहता है वही रहता है इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना। अब रिपीटर, जो हम रिपीटर की बात करें इसके साथ की, जो रिपीटर है, तो रिपीटर का वर्क क्या होता है कि आप का सिग्नल कुछ देर तक जाने के बाद स्लो हो गया, आप कोई भी सिग्नल कहीं से पास ऑन करवा रहे हो और वो सिग्नल किसी केबल के थ्रू मूव हो रहा है, किसी पास ऑन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क आपका, तो कुछ देर जाने के बाद इसकी इतनी सीमा थी, इतनी लिमिट्स थी, यहां पे जाने के बाद ये सिग्नल स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, या तो इसकी एफिशिएंसी जो स्पीड है बहुत कम हो जाती है। यहां पे रिपीटर्स लगा दिए जाते हैं। ये रिपीटर्स क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं सिग्नल को दोबारा से जनरेट करके और फिर एफिशिएंसी से आगे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। इसी तरह से आपके अगर कहीं लंबा केबल होगी, कहीं लंबा कनेक्शन लेना होगा, तो आपको बार बार रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। वो रिपीटर्स सिग्नल्स में फिर से वैसी ही पावर्स होती है, और वो रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को दोबारा से जनरेट करता है और आगे तक ले जाता है,
और अगर आपको फिर नीड पड़ती है तो आप ऐसे बहुत सारे रिपीटर्स लगा सकते हो अपने नेटवर्किंग में यूज करने के लिए, कि डिपेंडिंग अपॉन दी वायर की उसकी लेंथ कितनी है, आपका सिग्नल वहां जाने के बाद ब्रेक डाउन तो नहीं हो गया है, अगर सिस्टम सिग्नल ब्रेक डाउन होने लगा है तो आप उसको रिपीटर यूज करके वहां से सिग्नल को फिर से ले सकते हो और वो सिग्नल उसी पावर में फिर से आगे जा सकता है। ये रिपीटर का रोल होता है, ये फिजिकल लेयर में पाया जाता है। अब फिजिकल लेयर के साथ साथ अगर आप देखें वैसे ही मॉडल में दूसरा ब्रिज एंड स्विचेस है। जो मॉडल है आपका, ये मॉडल की आइडियोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड है ब्रिज भी। जो ब्रिज है वो भी मॉडल की आइडियोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन होता क्या है कि जो ब्रिज करता है वो दो कनेक्शन को आपस में जोड़ता है। मान लो आपके पास क्या है कि एक ये हब पड़ा हुआ है, ये हब है, इस हब से आपने सिस्टम जोड़े हुए हैं। मेरे पास ये बस टोपोलॉजी है, आपके पास कुछ सिस्टम यहां लगे हुए हैं, कुछ सिस्टम यहां लगे हैं, कुछ यहां पे लगे हैं, कुछ यहां पे लगे हैं, ये डिफरेंट टाइप के पीसी, ये पीसी वन है मान लो, ये पीसी टू है, ये पीसी थ्री है, ये पीसी फोर है, ये पीसी फाइव है, बहुत सारे सिस्टम आपके सिस्टम में लगे हुए हैं उस नेटवर्क में। अब हमारे पास ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ेगी? ब्रिज क्या करता है कि जिस तरह से हमने देखा कि हब में जितनी भी इंफॉर्मेशन हब के पास है, इसने बिना रोके सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दी, सारे के सारे नोड्स पे चली गई। लेकिन ब्रिज जो होता है, ब्रिज क्या करता है, इस पूरे नेटवर्क को पार्ट्स में बांट देता है। और ब्रिज की डेफिनेशन में आप इतना ले सकते हैं, ब्रिज इज डिवाइडेड होल नेटवर्क इनटू टू पार्ट्स और लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स। बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता है, दो तीन, और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाता है। आपको चाहिए ये वाला क्वेश्चन यूज करना तो आप इस वाले क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आपको चाहिए ये वाला क्वेश्चन यूज करना तो ये वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल यूज कर सकते हो। तो ये ब्रिज का काम करता है कि इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट तो करता है, लेकिन इसका भी वर्क ब्रॉडकास्ट करना ही होता है इंफॉर्मेशन को। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है कि जब भी ब्रिज लगा हो, ब्रिज लगने के बाद इंफॉर्मेशन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होनी है, तो होने के बाद ये उसको पहले चेक करता है, इंफॉर्मेशन को पहले चेक करेगा कि ये इंफॉर्मेशन इसी के रिलेटेड है, इसी नोड के रिलेटेड है तो यहाँ पे जानी चाहिए, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन इस साइड जाएगी, क्योंकि ये ब्रिज चेक करने का एनालाइज करने का काम कर रहा है कि डाटा को जैसे ही यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होनी थी, जो भी नेटवर्क के थ्रू डाटा यहाँ से निकलना था, तो उसको ब्रिज ने क्या किया, एनालाइज किया, इंस्पेक्ट किया, चेक किया और फिर आगे ब्रॉडकास्ट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे। जो भी नोड्स आपके लगे होंगे उन नोड्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन जाती है तो ब्रिज से होके जाती है। ब्रिज तो पहले पूरे सिस्टम्स को, पूरे का पूरा जो नेटवर्क है उसको दो या ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट छोटे पार्ट्स में बांटता है। होल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटता है, और जैसे ही ये सिग्नल यहाँ से पास ऑन होगा इस ब्रिज के थ्रू होके जाएगा। जिस तरह से हब में क्या होता था कि कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी बिना रोक के सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाती थी, इसमें थोड़ा सा एक चेक लगता है और वो इंफॉर्मेशन इंस्पेक्ट होके चेक होके यहाँ से आगे ब्रॉडकास्ट होती है। और वो इसी तरह से अगर मान लो मुझे चाहिए कि पीसी वन को पीसी थ्री के साथ लिंक करना है, तो आप ये ब्रिज क्या कर रहा है, इनके एड्रेसेस को भी अपने उसमें नोट कर रहा है कि आपके जो एड्रेस हैं वो किस तरह से नोट हो रहे हैं, क्या इसको पता है कि ये वाले सिस्टम का एड्रेस क्या है, इस वाले सिस्टम का एड्रेस क्या है। तो ये सब चीजें ब्रिज के द्वारा थोड़ी सी इंस्पेक्ट होती हैं, इसमें इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके आगे प्रोसीड किया जाता है। अब ब्रिज के साथ ही स्विच है, जो स्विच है आपका, ये स्विच है, मैंने स्विच के कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगी। जो स्विच है, स्विच भी इसी तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन स्विच आपका इंफॉर्मेशन को बड़े फिल्टर वे में आगे प्रोसीड करता है, जिस तरह से हब आपका काम करता था। इसके बाद आपने देखा रिपीटर जो होता है वो सिग्नल को, जब सिग्नल की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर से रीजनरेट कर देता है सिग्नल को वापस। और ब्रिज देखा आपने कि ब्रिज में आपने एक वाइड नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होने लगा कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी फिल्टर होके जाने लगी, जो चाहिए थी जिसको चाहिए थी। लेकिन जो स्विच है, स्विच का काम क्या रहता है, स्विच इज यूनी ब्रॉडकास्ट फुल डुप्लेक्स मोड कैम टेबल मैनेज करता है, और
अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपका जो स्विच है ये मैंने पॉइंट्स इसलिए रखे हैं अब आपको थोड़ा सा इजी होगा इनको ढूंढने से ढूंढने के लिए, अदरवाइज कोई पॉइंट रह जाएगा तो हम उसको भी फिर भी डिस्कस कर लेंगे। ये जो आपका स्विच है तो स्विच आपके पास कोई भी नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क में स्विचेस लगे होते हैं, ये आपकी आपका मॉडेम है, यहां पे आपके पास नोड डिफरेंट नोड्स लगे हुए हैं जिसमें पीसी 1 2 3 वर्क कर रहे हैं, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 और PC6 बहुत सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब जब आपने स्विचेस को समझना है तो स्विचेस में हमने हब में भी देखा, हमने ब्रिज में भी देखा, इस तरह का वर्क नहीं होता है। ये यूनि ब्रॉडकास्ट कर सकता है, यूनि ब्रॉडकास्ट करने का मतलब है जहां भी आपका स्विच लगा होगा, ये आपका स्विच लगा होगा, स्विच क्या करेगा जब भी इंफॉर्मेशन इसको इससे चाहिए, मान लो मैं मुझे P2 से वर्क करना है तो वो साथ साथ में एक मैक एड्रेस बनाता रहेगा। आप देखेंगे कि आज वाईफाई का टाइम है, जब कहीं ब्रॉडबैंड पे आप जाओ तो ब्रॉडबैंड पे आप उन्होंने नेट पे एक सिक्योरिटी रखी होती है, वो आपके फोन का मैक एड्रेस लेते हैं और मैक एड्रेस लेके उसको वहां पे फीड करते हैं जिससे आपको कनेक्टिविटी मिलती है नेट की। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक इंडेक्स बन रहा है और यहाँ पे इनका मैक एड्रेस बन रहा है, कैम टेबल बनेगा, कैम टेबल के बीच में आपके एड्रेसेस जो होंगे वो स्टोर होते जाएंगे। मुझे अगर P2 से बात करनी है, PC1 से बात करनी है तो वो उसका एड्रेस क्या है, क्या वो A में है, B में है, C में है, ऐसे PC1 से बात करनी है, PC1 है तो क्या वो A वाला है, B है या C है, किस में है वो लिंक, तो एक प्रॉपर हायरार्की बनाता है कि आपको बात किससे करनी डायरेक्टली, आपको आप डायरेक्टली इससे भी बात कर सकते हो, ये वाला पर्सन इससे या इसका इसका इसके साथ बात बन सकता है और ये वाला पर्सन इस बंदे से बात कर सकता है, और इस तरह से ही ये वाला इससे बात कर सकता है, क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि अगर मैं उससे बात कर रहा हूं वो भी मेरे से ऑन स्पॉट बात कर सकता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन में जो डाटा शेयर होगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वहां से भी डाटा यहाँ पे वापस आएगा। इसको अगर हम अच्छे से समझें तो इसमें यूनि ब्रॉडकास्ट होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग तो हर एक का काम है ब्रॉडकास्ट करना, जितनी नेटवर्क की डिवाइसेज हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग इतनी फिल्टर वे में होती है कि उसमें जो इंफॉर्मेशन जिसको जानी चाहिए उसी को मिलेगी, देरी की वो सारे लोगों को दे देगा। मैं आपको थोड़ा सा और ढंग से बताऊं तो इसमें है क्या कि मान लो मैंने कोई न्यूज़ सुनाई किसी को कि ये आज वहां पे ऐसी दुर्घटना हो गई, मैंने किसी पर्सन को बोली, उसने नहीं देखा ये सच है झूठ है, तो ये सारी की सारी स्प्रेड हो गई, लेकिन वो हब कर रहा है, हब को मैंने इंफॉर्मेशन दी उसने सारे पूरे गांव में फैला दी। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे बंदे को जैसे रूटर स्विचेस को दे रहा हूं इंफॉर्मेशन, वो पहले देखेगा वैलिडिटी ऑफ न्यूज कि क्या वो वैलिड थी, वो किसके प्रति है, किसके रिगार्डिंग है, किसके पास जानी चाहिए, तो फिर ये काम थोड़ा सा फिल्टर वे में करता है स्विच, वो इंफॉर्मेशन उसी पर्सन को मिलती है, ये स्विच का वर्क होता है। स्विच आप साधारण वे में अपने सिस्टम में यूज करते होंगे उन सिस्टम्स को जोड़ने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी इंटरनेट है, जो भी आपके पास वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क होती है, कहीं पे भी आप वाइड एरिया नेटवर्क यूज कर रहे हो, मॉडम यूज कर रहे हो, रूटर यूज कर रहे हो, उसका डायरेक्टली सिस्टम आपके आप सिस्टम के साथ नहीं उसको जोड़ सकते, उसको सबसे पहले हब के साथ जोड़ना पड़ेगा, हब के साथ नहीं जोड़ोगे ब्रिज के साथ जोड़ना पड़ेगा, ब्रिज के साथ नहीं जोड़ोगे स्विच के साथ जोड़ना पड़ेगा, स्विच के साथ नहीं जोड़ोगे तो रूटर के साथ जोड़ना पड़ेगा, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी होते हैं उन चीजों के साथ जोड़ना पड़ेगा, वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सिग्नल, सबसे पहले सिग्नल वहां जाता है, वहां से फिर वो हर नोड में अलग अलग वे में सिस्टम जाता है। तो ये मैक एड्रेस मेंटेन करता है, काफी सिक्योरिटी रहती है इसमें, इसमें डाटा किसके साथ किसको बात करनी है और इस तरह से डाटा को शेयर किया जाता है, जिसकी बहुत सारी आगे टाइप्स भी हैं स्विचेस की, इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच बोलते हैं इसको, टाइप्स ऑफ स्विचेस, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच होता है, कट थ्रो स्विच होता है,
फ्रेगमेंट स्विच होता है और एडुकेट स्विच होता है. इन स्विचेस को डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज किया जाता है जो स्विच का हमारा कनेक्शन होता है मेन. अब स्विचेस के बाद में जाना चाहूंगा रूटर पे. जो रूटर है आपका रूटर, रूटर आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या रहती है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जब सेम ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं, अगर हमने कोई एक लैंड कनेक्टिविटी बनाई है तो लैंड कनेक्टिविटी में हमें उनके आईपी एड्रेस हमने लगाए हैं. आईपी एड्रेस अगर मेरे पास एक सिस्टम है उसमें मेरे पास आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल 192 और 168.1.1, इस तरह का कोई भी आईपी एड्रेस है. ये आईपी एड्रेस लेके आपके पास सिस्टम में है. अब इस सिस्टम से आप दूसरे अपने लैब में लैंड कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आईपी एड्रेस को रिपीट करना पड़ेगा, 192 लिखना पड़ेगा, 168 लिखना पड़ेगा, 1 फिर इसको 2 लिख सकते हो इसी तरह से 192.168.1.3.4, इस तरह से आईपी एड्रेस आपको रिपीट करने पड़ेंगे जहां तक आप ले जाना चाहते हैं. लेकिन ये चीज आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जितने भी ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, ये एक नेटवर्क से एक उसी नेटवर्क में काम करते हैं. लेकिन जो रूटर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकता है. ये वैन डिवाइस है जो वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स. ये एक ही नेटवर्क में वर्क नहीं करेगा क्योंकि आप अगर उनको देखें तो ये वाले सारे एक नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं. लेकिन जो आपका रूटर है, रूटर आपका दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स में भी काम कर सकता है. आपका एक ये आईपी एड्रेस है, दूसरा आपका आईपी एड्रेस होगा 191.0.0.0, कोई इस तरह से आईपी एड्रेस है. तो इनकी आपस की जो कनेक्टिविटी है, इन आपस को आपस में इनको दोनों को जोड़ सकता है, दैट वर्क्स रूटर. रूटर आपका काम करेगा. ये वैन के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स. इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है. इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब है कि दो नेटवर्कों को आपस में इंटरैक्ट करता है, दोनों नेटवर्कों को आपस में इंटरैक्ट करवाया जाता है और यूज आईपी एड्रेस. इसमें आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं. आईपी एड्रेस से आप सिस्टम को डिटेक्ट भी कर सकते हैं. आईपी एड्रेस सिस्टम का अपना एड्रेस होता है जिससे आप उसको दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जब बात करनी है, जब आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करनी है तो वहां पे रूटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको. इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप अपनी जो नेटवर्क है उसको अच्छा बना सकते हैं. किस जगह पे कहां पे कौन से नेटवर्क की जरूरत आपको पड़ती है वो डिपेंड करता है आपकी डिवाइसेस के ऊपर, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का नेटवर्क करना है, किस तरह की कम्युनिकेशन आपने एक दूसरे से करनी है, तो आप कौन सी डिवाइस को यूज कर रहे हैं. आज के टाइम में मोस्टली अगर आप देखें तो रोटर इस्तेमाल हो रहे हैं. बहुत से डिफरेंट कंपनीज रोटर को निकालती है. ये इसमें रोटर्स में आप ये भी देखेंगे रोटर और बाबा देखने में एक जैसे देखेंगे, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है. लेकिन फर्क यह है कि जो हब होता है, हब में बहुत सारी पोर्ट्स रहती हैं, 10, 20, 30, 40 इतनी सारी पोर्ट्स होती हैं. लेकिन जो रूटर होगा उसमें 3-4 के रूट वो होंगी, कनेक्टिविटी होंगी, उतने ही आप उसमें कनेक्शन बना सकते हो. एक तो वाइड एरिया नेटवर्क का होगा वैन वाला, जिसमें डायरेक्टली आपका सिग्नल लगेगा जो भी आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. उसके बाद आपके जो पोर्ट्स हैं वो आप उसको चाहे वाईफाई पे रखना चाहते हो, चाहे आप लैन पे रखना चाहते हो, तो उसमें कम होंगे. रूटर इसीलिए हब से डिफरेंट आपको दिखेगा. हब में बहुत ज्यादा पोर्ट्स होते हैं, 10, 20, 30, 40 बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, जहां पे हब्स को यूज किया जाता है. वो लैन कनेक्टिविटी कर रहा है, एक सिस्टम का लिंक आपस में ही पूरी लैब में हो रहा है, लेकिन वो वन टू वन है, वो सिस्टम से उसमें बात हो रही है, लेकिन वो इंटरनेटवर्क नहीं है. दैट मींस कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स को और इंटरनेटवर्किंग डिवाइस नहीं है. तो जो रोटर है आपका वो इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है. आपको समझ आई होगी नेटवर्क की. अब मैं अगर ऊपर वाली लेयर्स की बात करूं तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें गेटवेज इस्तेमाल होते हैं. अब मैं गेटवेज पे आना चाहूंगा कि जो गेटवेज होते हैं, गेटवेज को किस तरह से देखा जाता है. गेटवेज किसी भी नेटवर्क के डिवाइस के एंड में लगते हैं. आपके पास कोई भी नेटवर्क डिवाइस है उसके लास्ट में गेटवेज को लगा दिया होता है कि जो बाहर जाने का रास्ता है कहां से. मान लो ये आपके पास सिस्टम है, आपके पास ये सिस्टम पड़े हुए हैं, ये मेन
रोटर है तो आपके पास यहां पे गेटवेज लगे होते हैं, क्योंकि रोटर रोटर का मतलब यहीं पे होंगे, रूट देना, रास्ता देना, ये पाथ दे रहा है, उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और यहां से आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन लगी होंगी, आपके पास गेटवेज लगे होंगे। ये गेटवेज होते हैं पाथ को किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने में जो एक रास्ता चाहिए होता, पाथ चाहिए होता, वो उसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें रह गई नेटवर्किंग डिवाइस में जो हमने यहां पे डिस्कस नहीं करी, जैसे गेटवेज तो कर लिया, मॉडम। मॉडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, मॉडम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। मॉडम आपको बताया कि हम सिस्टम में कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं, मैंने एक लेटर बना दिया, मुझे चाहिए यहां से मैं मेल करना चाहता हूं दिल्ली में। अब मैंने लेटर तो यहां पे बनाया है, लेकिन वो मेल जब मैं क्लिक करूंगा तो वो कहां चली जाएगी, दिल्ली में। मेरा सिस्टम किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो वायरलेस पे है। वायरलेस का मतलब है कि मैं यहां पे हूं स्टेशन पे और यहां से वो डाटा पैकेट्स बनके फ्लाई होके किसी दूसरी जगह पे पैकेट्स में जा रहा है, इतनी प्रोसेसिंग स्पीड उसकी फास्ट होती है। लेकिन जब ये डाटा फ्लो होता है, आप क्या सोचते हैं कि पेज का पेज डाटा ऐसे ही पेज पेज जाता होगा? नहीं, ये डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो वर्क होता है डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, डिजिटल सिग्नल को जो कन्वर्ट करता है एनालॉग में, और वाइस वर्सा एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल में जो कन्वर्ट करता है वो काम होता है मॉडम का। मॉडम काम क्या करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में होती है तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके किसी दूसरी जगह पहुंचाता है, और अगर आपके आप आपके पास कोई एनालॉग इंफॉर्मेशन आ रही है, एनालॉग सिग्नल आ रहा है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके दे देता है, जिसको दूसरे एंगल में हम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडम की बेसिक डेफिनेशन यही है कि मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन करता है और डीमॉड्यूलेशन करता है, इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। ये मॉडम का काम है। ब्रिज आपने देख लिया, एक्सेस पॉइंट भी इसी तरह से एक्सेस पॉइंट है जो एक्सेस कर रहा है आपका आईपी एड्रेस, इसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। स्विचेस, हब, रिपीटर, रूटर, ये सब चीजें आपकी हो गई। जो भी चीजें आपने यहां पे देखी, ये सारी की सारी नेटवर्क डिवाइसेस में काम आती हैं। अगर आपको नेटवर्किंग पे कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले नेटवर्क की डेफिनेशन लिखनी है कि नेटवर्क का नेटवर्क होता क्या है और इसमें कौन सी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब हो गया फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो भी फिजिकल पार्ट्स हैं, पेरिफेरल्स हैं, जो नेटवर्क के लिए जुड़े रहते हैं कंप्यूटर के साथ, तो ये इसकी डिवाइसेस हैं, फिजिकल डिवाइसेस हैं सारी। ये फिजिकल डिवाइसेस कब कहां पे किस जगह पे किस नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी वहां पे इन डिवाइसेस को लगाया जाता है। मैंने इनको याद करने का तरीका आपको ये भी बता दिया, पहले वैसे ही मॉडल को ले लो, उसमें कौन सी डिवाइस कहां पे लगती है, कौन से डिवाइस के जो आपकी लेयर है कौन सी लेयर के साथ लिंक्ड होती है, कौन सी लेयर के साथ लिंक होती है, और इसका एक निमोनिक भी बताया आपको कि ये इससे आपको डिवाइसेस के नाम को याद करना इजी हो जाएगा, फिर वन बाय वन आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लें। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है कहीं पे भी, तो आप लोगों की जो क्वेरीज है वो मैं ले सकता हूँ, मैंने पहले भी रिपीट किया था, आप फिर से देख सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9906342330, इसमें व्हाट्सएप भी है, और आप अगर कहीं पे कोई मैसेज भेजना चाहते हो या कहीं पे क्वेरी आपको है तो आप जरूर उस पर लिखें, कॉमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि जो आपका कहां पे आपको डाउट हो रहा है और किस जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जहां से आपको पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे।